हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री 27। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे बढ़िया से। तो अभी लास्ट वीक मैंने एक वन शॉट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी थी, दैट इज़ फॉर 10th स्टैंडर्ड। जो फर्स्ट चैप्टर था पूरा फुल चैप्टर 1 आवर एंड 30 मिनट्स की वीडियो में कवर किया था मैंने, ठीक है। और हमारी जो 12th स्टैंडर्ड की सीरीज चल रही थी तो वहाँ पे हमने जो पढ़ा था वो हमारा लास्ट टॉपिक था डाल्टन्स लॉ, ठीक है, ऑफ पार्शियल प्रेशर। हम पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन हमने डराइव किया था, और मैंने आपसे बोला था कि ये जो पार्शियल प्रेशर है जो डाल्टन लॉ ने हमें मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में बताया है उसके बेसिस पे एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, और वो ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने इस वीडियो में आज आपको उस ग्राफ की डिस्क्रिप्शन के बारे में सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। और वो जो ग्राफ है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने एक ग्राफ प्लॉट करके रखा है पहले से। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में आपको बताया जाता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो किसी भी कॉम्पोनेंट का, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमने बाइनरी सॉल्यूशन लिया था, बाइनरी सॉल्यूशन में दो कॉम्पोनेंट थे, नहीं दो वोलेटाइल लिक्विड्स का सॉल्यूशन था, तो उसका पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि कॉम्पोनेंट ए एंड कॉम्पोनेंट बी, हमारे पास दो कॉम्पोनेंट है, ठीक है, कॉम्पोनेंट ए कॉम्पोनेंट बी, ठीक है। तो जो ए होगा उसका पार्शियल प्रेशर पी वन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई वन। काई वन क्या था, हमारा मोल फ्रैक्शन था, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट काई वन, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने यहाँ पे पी वन नॉट जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये वो कंडीशन है जिसके अंदर सिर्फ कॉम्पोनेंट वन है, तो जो उसका वेपर प्रेशर होगा वो, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब दिस इज फॉर कॉम्पोनेंट टू, पी टू प्रोपोर्शनल टू काई टू, ठीक है, काई टू। तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं पी टू इज इक्वल टू पी टू नॉट काई टू। अब बच्चों ये जो हमारी जो ये जो चीज़ है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो ग्राफ दिख रहा है काफ़ी हॉश वॉश था, तो यू डोंट नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ वरी अबाउट इट, बिकॉज मैं इसको वन बाई वन करके आपको एक एक चीज़ इनिशियल से एंड तक बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाऊंगी, और मैं चाहूँगी कि आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप बहुत क्लियरली इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दो एक्सिस होती है हमारी, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग मोल फ्रैक्शन को ले लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग हमने मोल फ्रैक्शन को ले लिया है, और वाई एक्सिस के अलोंग हमने किसको ले लिया है, वेपर प्रेशर को। ये दो चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे हमने तीन तीन, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीन चीज़ें दिख रही हैं, एक पी वन दिख रहा है और एक पी टू दिख रहा है, यानी कि विद इन अ ग्राफ हम यहाँ पर दोनों कॉम्पोनेंट के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, और हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो पी टोटल होता है, ठीक है, पी टोटल होता है। और जो इस पी टोटल की वैल्यू होती है वो होती है पी वन प्लस पी टू, ये आपको पहले ही पता है। तो चलिए आइए हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे प्लॉट होता है और इसे पी टोटल की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स दिख रहे हैं दो, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है काई वन इज इक्वल टू वन, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है काई वन इज इक्वल टू जीरो, काई वन काई टू इज इक्वल टू जीरो एंड काई टू इज इक्वल टू वन, ठीक है, काई वन एंड काई टू, ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अभी यहाँ पर अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो काई वन और काई टू की वैल्यू है यहाँ पर वो किस तरह से है? हम एक इमेजिनेशन में जाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, तो ये जो बीकर हमारा है इस बीकर में हम इमेजिन कर लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, कंपोनेंट ए लिया हुआ है जो कि है रेड कलर का, ठीक है, सिर्फ रेड कलर का कंपोनेंट है। तो जब इसमें रेड कलर का कंपोनेंट होगा तो इस पॉइंट पर, यहाँ पर ये जो पॉइंट है,
ये पॉइंट ये बता रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें सिर्फ रेड कंपोनेंट होने की वजह से भाई रेड का ही मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है, रेड का ही मोल फ्रैक्शन होगा, और जो हमारा कंपोनेंट टू जब इसके अंदर है ही नहीं तो उसका मोल फ्रैक्शन भी नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो यहाँ पर, ठीक है, काई वन एंड काई टू जीरो होगी। अब मैंने काम ये किया कि मैंने इसके अंदर कंपोनेंट बी मिला दिया, कंपोनेंट बी मिलाया यानी कि मैंने ब्लू मिलाया, और एक कंडीशन ऐसी आई, अब भाई जब मैंने कंपोनेंट बी मिलाया तो मिलाने के बाद भाई इसमें रिजोल्यूशन हुआ होते होते तो ये जो काई वन की वैल्यू है वो धीरे धीरे घटते 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 ज़ीरो पे चली गई। ज़ीरो पर कैसे गई, क्योंकि भाई इसमें अब ये सिचुएशन डेवलप हो गई कि अब इसमें ले दे के सिर्फ क्या रह गए, कंपोनेंट बी आ गए, कंपोनेंट बी मैक्सिमाइज कर गया और काई टू की वैल्यू ज़ीरो से एक्सीड होकर आपकी क्या हो गई, वन, यानी कि यहाँ पर काई वन यानी कि पहले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन दूसरे कंपोनेंट के इन्वॉल्व होने की वजह से ज़ीरो हो गया, और दूसरे कंपोनेंट जिसका प्रोपोर्शन ज़ीरो था वो धीरे धीरे करके उसने अपने को डोमिनेंट कर लिया और उसने अपनी वैल्यू को क्या कर लिया, वन, यानी कि कंपोनेंट टू बढ़ गया, क्योंकि अब इसमें सिर्फ कंपोनेंट टू है, अब इसमें सिर्फ कंपोनेंट टू है, ठीक है। ये रिजोल्यूशन के बाद की सिचुएशन है। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, कि इसमें अब क्या होता है। तो बच्चों अब हमारा जो कंपोनेंट वन है हम उसकी बात करते हैं। कंपोनेंट वन में क्या हो रहा है, आपने मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि कंपोनेंट वन जो है वो कंपोनेंट टू के इन्वॉल्व होने की वजह से कंपोनेंट वन की वैल्यू यानी काई वन की वैल्यू घटते घटते ज़ीरो हो गई है। तो जैसे कि आप इस ग्राफ को देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है आपका, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, पी वन नॉट है, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, काई वन की जीरो है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। इस ग्राफ से आप इजीली देख सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू पी वन नॉट है और मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो है काई वन के लिए। तो हम देखते हैं जब काई वन की वैल्यू वन होगी तब इसकी वैल्यू पी वन नॉट होगी, और जब काई वन की वैल्यू जीरो होगी तब पी वन की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पे मेंशन है कि देखिए काई वन की जो है मिनिमम वैल्यू जीरो, ठीक है, तो काई वन की मिनिमम वैल्यू जीरो और मैक्सिमम वैल्यू क्या आपकी है, वन। तो जब काई वन जीरो होगा तो पी वन भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो, ठीक है, और जब काई वन वन होगा तो इसकी वैल्यू क्या है, पी वन इज इक्वल टू पी नॉट, ठीक है, पी वन नॉट दिस वन, ठीक है। ये तो कॉम्पोनेंट वन के लिए हो गया हमारा। अब हम कंपोनेंट टू देखते हैं। अब हमारा कंपोनेंट टू जो है, जो डिक्रीज मतलब बिल्कुल जो निग्लेजिबल था जब उसको इन्वॉल्व किया गया सॉल्यूशन के अंदर उस सिस्टम में, तब वो इंक्रीज हुआ। तो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है, दिख रहा है ना, जीरो से लेकर पी टू नॉट तक जाता है, यानी कि पी टू नॉट इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो। अब हम इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। हम कॉम्पोनेंट बी यानी कि दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है उसकी हम बात करते हैं। तो उस कंपोनेंट में हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यू हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब हम इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को लेकर वेपर प्रेशर को देखते हैं। देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि यहाँ पर वैल्यू जब जीरो थी तो ये जीरो से लेकर वन तक इंक्रीज हो रही है। जब जीरो से लेकर वन तक इंक्रीज होगी तो यानी कि जीरो से पी टू नॉट तक वैल्यू जा रही है और ये ग्राफ हमें अपवर्ड जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर काई टू की वैल्यू मिनिमम जीरो, ठीक है, काई टू की मैक्सिमम वैल्यू वन एज वी हैव सीन इन कॉम्पोनेंट वन ऑल्सो। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो हमारा, जब काई टू की वैल्यू जीरो होगी तो पी टू की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो, लेकिन जब काई टू की वैल्यू वन होगी तो पी टू की वैल्यू क्या होगी, पी टू नॉट जीरो। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं कि यहां पर जो आपकी प्रेशर की वैल्यू है वो जीरो से लेकर पी टू नॉट तक इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और इन दोनों ग्राफ को जब हम ऐड कर देते हैं तब हमें मिलता है पी टोटल, यानी कि जो पी वन नॉट है और ये जो पी टू नॉट है इसमें पी टोटल की वैल्यू हमेशा लाई करती है, पी टोटल कभी ज़ीरो नहीं हो सकता,
ठीक है, हम इन दोनों को ऐड करते हैं। अगर मान लीजिए कि पी वन हमारा ज़ीरो हो जाता है तो भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो पी टू की वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा। तो इस तरह से हम ये जानते हैं कि जो पी टोटल है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, वो हमेशा पी वन नॉट टू पी टू नॉट के बीच की वैल्यू में लाई करती है। तो इस तरह से ये हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्राफ जो है उसका डिस्क्रिप्शन मैंने बहुत ही मतलब धीरे धीरे और मतलब ब्रॉड वे में इसको एक्सप्लेन किया है। होप्सो आपको समझ में आ गया हो और इसके जो कॉन्क्लूजन्स हैं वो भी आपको समझ में आ गए होंगे कि इससे क्या कॉन्क्लूजन निकलता है कि वैल्यू किस तरह से एक कंपोनेंट के को मिलाने से दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू किस तरह से वेरिएट कर रही है, एक कंपोनेंट आने से दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ की जो है मतलब कमर्शियल बेसिस पे और भी साइंटिफिक वर्क में हमने इसकी बहुत सी इम्पोर्टेंस देखी है। तो चलिए अब हम इस टॉपिक को, ये हमारा टॉपिक ये पूरा ऐसे में रैप अप होता है और नेक्स्ट वीडियो में आपको जिसकी फर्दर जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उस पर डिटेल मिलेगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड कनेक्टेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।